दीजिए ना, हाथ में दीजिए ना मोड़ के पूरा। क्या चाहिए? फोन निकाल लीजिए उससे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going to... दिस इज राची राइडर। तो यार अभी बज रहे हैं रात के 12 एंड थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, हम जा रहे हैं कार लेने के लिए, और पिछला 3-4-5 दिन से हम सीख रहे हैं कार, तो व्लॉग नहीं बना रहे थे बिकॉज ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि इसका व्लॉग बना सकते हैं, एंड ज़्यादा टाइम होता नहीं था। बट आज लकीली टाइम है बिकॉज एडिटिंग हो चुका है एंड मुँह अंधेरा आ रहा है, बट आप लोग बात सुनो। तो प्रतीक भाई है वहाँ पे रिलायंस फ्रेश के पास, चलो पहले कार में चलते हैं एंड फिर आराम से बात करेंगे, एंड व्लॉग एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो। तो यार अभी आ चुके हैं कार में, बगल है प्रतीक भैया है, तो फिलहाल यहाँ से जाएंगे अभी फ्रेडल चौक का, देन फिर उसके बाद पता नहीं किधर जाएंगे। तो फिलहाल हम ड्राइव नहीं कर रहे, फिलहाल प्रतीक भैया ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो रोड पे ज़्यादा चलाते नहीं हैं। तो पिछला एक वीक से निकल रहे हैं एंड कार सीख रहे हैं बिकॉज अब सोचे कि सीख लेना चाहिए, बाइक अच्छे से आता है तो कार भी सीख लेनी चाहिए। तो इन्जॉय करो व्लॉग एंड आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा। तो लेट्स गो। तो यार अभी ये फिलहाल हाल में एंड चाय पी रहा, तो रोड ड्राइव शुरू करने से पहले यहाँ के चाय पीते ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, नींद नहीं आए। तो प्रतीक भैया चाय ख़त्म कर ली अपना, मेरा बचा हुआ थोड़ा, तो पी के अभी निकलेंगे यहाँ से। एंड फिलहाल हाल देखो ये चौक जो कि इतना बिजी रहता है दिन भर, अभी खाली है ना, और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो अगर रात को आपको भूख लग रही है एंड कुछ खाना या पीना है तो आप यहाँ आ सकते हैं फिलहाल चौक पे। और अगर फूड ब्लॉग देखना है मेरा यहाँ का नाइट आउट जो किए थे हम, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, उससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो अब चलते हैं कार में एंड मिलते हैं। तो भाई साहब अभी एक आके रोड में एंड अब ड्राइव करने की बारी है मेरी, क्योंकि प्रतीक भैया का आ रहा है कॉल एंड सीधा चला चला के बहुत थक गए, तो अब सोचे कि थोड़ा रोड पे चलाया जाए। तो ड्राइव अब तुम्हारा भाई करेगा एंड एसक्रॉस ये कार चला रहे हैं अपन एंड इससे सीख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं रोज़ ही हम, बिकॉज मेरे लिए बहुत नई चीज़ है तो एंड सीखना भी था मेरे को। तो चलो आई होप कि आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, तो कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर बताना। अब आगे की व्लॉग एंजॉय करो। तो अब आ चुके हैं कार में, ड्राइविंग सीट पर तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, तो अब पता नहीं कैसा चलाने वाले हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि सही से चला लें आज, लेट्स गो।
भाई अभी चला रहे हम कार एंड स्पीड अभी 20-30 की है, तो तेज नहीं चलाते अभी। एंड रास्ते से मेरे जरा भी ध्यान हटता है तो गाड़ी सीधा कोना होने लगती है, तो ज़्यादा हम उधर देख के बात नहीं कर सकते, तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं बिकॉज कॉन्सेंट्रेट हमको रोड पर रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ब्लॉक के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाए। तो बस वीडियो इन्जॉय करो, ब्लॉग इन्जॉय करो, मज़े लो। अभी वापस आ चुके हैं काके रोड एंड ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं अभी, एंड तब से चला ही रहे हम गाड़ी। पहले काके रोड से रिंग रोड गए, देन बुट्टी मोड़ के पास से वापस घुमा के काके रोड आ गया, एंड अब जा रहे हैं घर। तो रोज़ के रोज़ जो सेशन है वो बढ़ता जा रहा है, एंड जो चलाने का तरीका है एंड जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ही स्मूथ ड्राइव हुआ आज मेरे हिसाब से, बाकी तो प्रतीक भाई रास्ते बताते ही है। आई होप कि आप लोग को व्लॉग में मज़ा आएगा। एंड जब स्टार्ट करे तो मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा टफ है इसको चलाना, बट अब इजी लग रहा है बिकॉज सीख चुके हैं, थैंक्स टू प्रतीक भैया जो सिखाया मेरे को। एंड अभी और भी सेशन बाकी है, बट रोज़ इसका व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एंड इतना टाइम नहीं होता कि यह रोज़ व्लॉग बनाए, और ध्यान भी यहाँ जा रहा है बिकॉज 2-3 बार कार उधर चला गया, अभी भी जा रहा है। तो इसलिए सोचे कि आज एक बार बनाते हैं एंड देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। चलो घर पहुंच के मिलते हैं। तो यार अब जा रहे हैं घर, एंड थैंक्स टू प्रतीक भैया सिखाने के लिए। तो चलो अब घर चलते हैं, घर पहुंच के मिलते हैं। तो यार अब आ चुके हैं घर, एंड बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, देख सकते हैं आप लोग आँख दब रहा है मेरा, बट ये हमको सीखना है। तो यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खो रहे हैं, नींद खो रहे हैं, बट कुछ अच्छा सीख रहे हैं। एंड वीडियो इधर एडिटिंग पे लगी हुई है, देख सकते हो, तो वीडियो कल आएगी। एंड अभी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं रेगुलर होने का, रोज़ एक वीडियो डालने का कोशिश कर रहे हैं, एंड वो हो भी रहा है। 2 वीडियो डाले, एक वीडियो कल डालेंगे, फिर ये परसों आएगा। तो अब रेगुलर बेसिस पे हम वापस आना चाह रहे हैं, रेगुलर होना चाह रहे हैं, बिकॉज जो भी टाइम उधर खर्च हुआ है, बर्बाद हुआ है, अब वो चीज़ नहीं करना चाहते वापस। तो मज़ा आया, एंड थैंक्स प्रतीक भैया सिखाने के लिए। तो प्रतीक भैया से ये बहुत अच्छे से सिखाया हमको, क्योंकि हम 4 दिन हम बस चलाए हैं और सीख गए हैं, तो थैंक्स टू हिम। एंड अगर व्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि व्लॉग कैसी लगी, वीडियो को शेयर करो, और अगर चैनल पर नए आए हो और मेरी वीडियो पसंद आई है तो पता है क्या करना है भाई, सब्सक्राइब मारो। एंड रेगुलर व्लॉग्स तुम लोग को मिलते रहेंगे अब, एंड पूरा कोशिश है कि हम ऐसे ही बस रेगुलर हो जाए वापस से। तो चलो यार नींद आ रही है, बिल्कुल ही बात नहीं, मन नहीं कर रहा बात करने का, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।